अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आज का हमारा जो फूड पार्टिकल्स को इस काबिल बना दिया जाए कि इंडिविजुअल सेल्स जो उनसे हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें और देन उसको यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जी कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी अबिलिटी के कि वो खुद मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं, जिनसे उसने एनर्जी ड्राइव करनी है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करें जो कि अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर सकते हैं थ्रू फूड जो वो खुद बना रहे हैं, तो क्योंकि वो खुद से मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर रहे हैं फूड के, इसलिए उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हैं। जबकि हेटरोट्रॉप्स जो खुद से फूड को जनरेट नहीं कर सकते हैं, खुद से मॉलिक्यूल्स को नहीं बना सकते हैं जिनसे उन्होंने एनर्जी ड्राइव करनी है, तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको फूड इनटेक करना पड़ती है। तो ये चीज याद रहनी चाहिए कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो उनसे हैं वो किसी भी जानदार की अबिलिटी के कि वो खुद से मॉलिक्यूल्स जो इम्पोर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। हम बायोसिंथेटिक एबिलिटी की बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं ब्रॉडली, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, जैसा कि इनके बारे में हम जानते हैं। हेटरोट्रॉप्स में देन जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो किस चीज को एज सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं, हमने इनके चार ग्रुप्स बना दिए। अगर वो प्लांट्स को एज सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं तो वो हर्बीवोर्स हैं, अगर वो एनिमल्स को सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं तो वो कार्निवोर्स हैं, अगर वो प्लांट और एनिमल दोनों को एज सोर्स यूज कर रहे हैं वो ओमनिवोर्स हैं, और अगर वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं तो वो इंसेक्टिवोर्स हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं एज फूड, इनको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं जी। एक है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तकरीबन एक दिन में 100 मिलीग्राम से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है इनकी, और इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि मेजर सोर्स है एनर्जी का। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर चाहिए और ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको हम आने वाली स्लाइड में एज एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम इन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट मिनरल्स और विटामिन दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जैसा हमने बात की कि ये एनर्जी का जरिया है, इनसे हम एनर्जी ड्राइव करते हैं, तो जो हमारी फूड है जो हमें वो एनर्जी दे रही है, हम उसको एनर्जी को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ कैलोरीज। अब ये कैलोरी क्या चीज है, कैलोरी एक्चुअली आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1 ग्राम पानी का हो और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री से 16 डिग्री करना हो, तो वो पानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हीट जो है वो 1 कैलोरी के बराबर होगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कैलोरी है अगर वो स्मॉल सी से लिखी हुई है, उसका जो पहला लफ्ज है वो स्मॉल अल्फाबेट है सी का, तो वो ग्राम कैलोरी की हम बात कर रहे हैं, और अगर वो पहला वर्ड कैपिटल सी होगा तो वो किलोग्राम कैलोरी या किलो कैलोरी होगी, जिसमें 1 किलो कैलोरी में 1000 ग्राम कैलोरीज मौजूद होती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अमूमन जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो हम जूस बिस्किट या दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीदते हैं, उसके पीछे जो एनर्जी वैल्यू लिखी होती है वो इन टर्म ऑफ किलो कैलोरीज लिखी होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पर ग्राम 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स पर ग्राम 4.4 किलो कैलोरीज एनर्जी देती हैं, और लिपिड्स पर ग्राम 9.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं। क्योंकि सेम अमाउंट के अंदर आप अगर कंपेयर करें इनको तो लिपिड सबसे ज्यादा आपको एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए लिपिड्स को हम मोस्ट कंसेंट्रेटेड सोर्स ऑफ फूड एनर्जी कहते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से दो चीजें याद रखिएगा कि जो मेजर डाइटरी सोर्स है हेटरोट्रॉप्स के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ज्यादातर जो एनर्जी के सोर्स के तौर पे हेटरोट्रॉप्स यूज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बन का भी मेजर सोर्स है, और जो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं जिनके अंदर आप जानते हैं कार्बन मेजर एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो कार्बन कहाँ से आ रहा है इसका मेजर सोर्स भी यही कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें जिनको हम दो हिस्सों में ब्रॉडली तकसीम करते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स, तो मिनरल्स अगर ज्यादा अमाउंट में चाहिए रिलेटिवली तो वो मैक्रो, और अगर
कम अमाउंट में चाहिए होंगे तो माइक्रो मिनरल्स कहलाएंगे। और विटामिंस को हम दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग के वो पानी में सॉल्युबल है या नहीं। तो जो पानी में सॉल्युबल है वो वाटर सॉल्युबल विटामिंस कहलाते हैं, और सिर्फ ये दो हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी के आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं विटामिन B1, B2, B3, और अगर वो पानी में सॉल्युबल नहीं है तो वो फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं A, D, E और K के हवाले से। अगर हम थोड़ा सा इनको देख लें कि बेशक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम इनकी इंपॉर्टेंस को समझने के काबिल हो जाएंगे। फर्ज करें अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम बोन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बोन के अंदर स्टोर है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज हो जाएगी। इसी तरह से ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी आपको तो आपको टेटनी जैसी डिजीज हो सकती है, मसल क्रैम्प्स पड़ेंगे, पेन होगी, नमनेस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम विटामिन की बात कर लें तो विटामिन ए जो है ये विजुअल पिगमेंट्स बनाने के लिए जरूरी है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। और इसी तरह अगर हम विटामिन फॉलिक एसिड की बात कर लें, ये आपके पास विटामिन जो B9 है फॉलेट, इसका ह्यूमन वर्जन है फॉलिक एसिड, अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अमाउंट कितनी चाहिए आपको पर डे? 0.4 मिलीग्राम। लेकिन अगर आप वो भी नहीं ले रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आयरन के साथ साथ ब्लड की फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ पैदा होगा, जैसा कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी, और भी बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर जो एमसीक्यू से रिलेटेड है। ये एक जस्ट ओवरव्यू है कि आपको इस तरह से एमसीक्यूज एग्जाम्स में आ सकते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं और आपने किस तरह से तैयारी करनी है। जैसा कि पहला एमसीक्यूज है कि आप बताइए कि इनमें से कौन ओमनिवोर है। आप इनके आंसर्स काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, स्लाइड नंबर शेयर करके, उनके आंसर्स शेयर करके, हम बाद में उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर ही की के तौर पे शेयर कर देंगे। इसी तरह जो कैलोरी के हवाले से मैंने आपको बताई थी बात, उसको मद्देनजर रखते हुए इसका आंसर कीजिएगा। मेजर डाइटरी सोर्स कौन से है ये बताएं, मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स कौन से है ये बताएं। तो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर हमने मेंशन किए, इनके काइंडली आप खुद को टेस्ट कीजिए कि आपको इनमें से कितने आते हैं। 6th one इज इम्पॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। मेजर पॉजिटिव आयन इन द सेल, यानी सेल के अंदर कौन है, मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के अंदर। इसी तरह मेजर पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। आपके पास मेजर नेगेटिव आयन इन द सेल कौन है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो इस तरह से आपसे वो डिफरेंट चीजें पूछ सकता है। इस तरह से मेलानिन और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए कौन सा एसेंशियल है इनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो आप बताएंगे, और विटामिन कौन सा जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन को हम बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, इधर वो सेल के अंदर हो रही है या वो सेल से बाहर हो रही है। अगर वो सेल के अंदर हो रही है यानी कि जो फूड है वो सेल की बाउंड्री के अंदर चली गई है, वो डिफ्यूजन से जा सकती है, ऑस्मोसिस से जा सकती है, एंडोसाइटोसिस से जा सकती है, किसी भी सोर्स के थ्रू अंदर गई है और उसकी डाइजेशन सेल की बाउंड्री के अंदर हो रही है, तो वो आपके पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, जहां पर लाइसोसोम्स अपना मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। जबकि अगर एंजाइम्स को आप सेल से बाहर भेज रहे हैं और उसे किसी एक खास कैविटी के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाएगी। एनिमल्स की अगर हम फीडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें कि एनिमल्स किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, तो बेसिकली उनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस फीडर्स वो होंगे जो हर वक्त फूड लेते रहते हैं 24 घंटे में, जबकि डिसकॉन्टिन्यूस फूडर जो फीडर्स हैं वो वक्फे से फूड को कंज्यूम करते हैं, वो लगातार फूड को सारा दिन और रात जो है उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं। सस्पेंशन फीडर्स के अंदर आपके पास, जिनको आप फिल्टर फीडर्स भी कह सकते हो, बहुत अच्छी एग्जांपल स्पॉन्ज की है।
आपके पास फिल्टर फीडिंग के लिए, सस्पेंशन फीडिंग के लिए तीन रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। ये तीन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो आपके पास कोई फिल्ट्रेशन अपरेटस होना चाहिए जिसके अंदर से पानी गुजरता हो। फिर वो फिल्ट्रेशन अपरेटस इस काबिल होना चाहिए कि वो उस पानी के अंदर मौजूद सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को कैप्चर कर सके, ट्रैप कर सके, और फिर उस ट्रैप्ड फूड को स्वीप किया जाता है माउथ की तरफ। तो तीन स्टेप के अंदर सस्पेंशन फीडर्स जोन से हैं वो अपनी फूड हासिल करते हैं। अगर हम डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास डिपॉजिट फीडर्स हैं जिसमें सी कुकम्बर और अर्थवर्म स्पेशली बहुत आप इससे वाकफियत होगी आपको। ये डिपॉजिट फीडर्स क्या करते हैं जी, ये मड को या सेडिमेंट्स को खा जाते हैं, इनगल्फ करते हैं, और उन सेडिमेंट्स के अंदर जो यूजफुल इनके लिए मटेरियल है उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं और बाकी मड या सेडिमेंट को ये अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट कर देते हैं। हर्बीवोरी के अंदर प्लांट मटेरियल जो है वो एज सोर्स ऑफ फूड यूज किया जाता है, जैसे कि ग्रास ऊपर जो है वो एक हर्बीवोर है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके पास जानदार होंगे जो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं लेकिन इनके लीव्स के ऊपर नहीं फीड कर रहे, सिर्फ स्पेसिफिकली उनके फ्रूट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फ्रूगीवोर्स कहते हैं। वो भी हर्बीवोर्स हैं लेकिन उनको हमने एक स्पेशलाइज नाम दे दिया फ्रूगीवोर्स का। प्रीडेशन जो है इसमें हम जानते हैं दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक प्रीडेटर होगा और एक प्रे होगा। अब जो प्रीडेटर है वो किस तरह से अपने प्रे को पकड़ता है, उसे कैप्चर करता है, इस लिहाज से हमने चार डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए हैं। पहली जो टाइप है प्रीडेटर की वो है मोटाइल स्टॉकर्स। मोटाइल स्टॉकर्स क्या करते हैं, ये एक्टिवली अपने प्रे को चेज करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसे थकाते हैं और उसके बाद उसको पकड़ते हैं, फिर उसको मार देते हैं। दूसरी टाइप आपके पास ल्यूरकिंग प्रीडेटर्स की है। ये इंतजार करते हैं तब तक जब तक इनका प्रे इनकी रेंज में नहीं आ जाता, ये उसके पीछे भागते नहीं है, उसे एक्टिवली चेज नहीं करते हैं। जैसे वो रेंज में आते हैं इनकी तो ये उस पर हमला करते हैं, उसे कैप्चर करते हैं और मार देते हैं। सिसाइल अपॉर्चुनिस्ट इंतहाई निकम्मे होते हैं, ये कोई काम नहीं करते, ये बैठे रहते हैं और जब इनका प्रे आके इनके साथ टच करेगा तो फिर ये उसको कैप्चर करेंगे और इनगल्फ करेंगे। ये सिर्फ इंतजार करते हैं अपने प्रे का खुद मौत के मुंह में आने का। जबकि जो ग्रेजिंग कार्निवोर्स होते हैं ये नीचे देखते हुए चलते हैं और छोटे छोटे जो इनकी इनकी फूड के तौर पे जिनको ये यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनको पकड़ते हैं और उनको इनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारी जो दूसरी साइड है ये क्या पूछ रही है जी कि इनमें से आप बताइए कि डिपॉजिट फीडर्स प्राइमरली किस क्लास से बिलोंग करते हैं। देन जी आप बताएंगे कि इनमें से वर्किंग प्रीडेटर कौन सा है। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है जी। थर्ड वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने ये पूछा है कि जो लैम्प्रेज हैं बताएं कि उनके अंदर कितने रास्पिंग टीथ मौजूद होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैम्प्रेज हैं बेटा वो लैम्प्रेज काम करते हैं, जो फिशेज हैं वो काम करती हैं एज फ्लूइड फीडर का, जो आई थिंक स्किप भी हो गई थी बात हमसे लास्ट स्लाइड में। जी फ्लूइड फीडर्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड फीडर्स जो उनसे होते हैं ये फ्लूइड को एज सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। जैसे एफिड्स हैं वो फ्लोइम से सक करते हैं, और जिस तरह मॉस्किटोज हैं वो हमसे ह्यूमन से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से ब्लड सक करते हैं और फिर उसको एज सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं। तो अमूमन जो ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं एक्टोपैरासाइट्स वो फ्लूइड फीडर्स होते हैं। जबकि जो सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता है सच, और वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने सरफेस के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि कॉलमनास जो है ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर, इसी तरह आपके पास गटलेस बाइवॉल्व्स हैं वो भी सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के जरिए ये वाटर से भी लाइक मैरीन वाटर के जरिए भी उसके अंदर अगर रह रहे हैं तो उससे एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। अगर ये आपकी बॉडी में एज पैरासाइट रह रहे हैं तो आपकी बॉडी के फ्लूइड्स से डायरेक्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, जैसे टेप वर्म कर रहा होता है। हाँ जी, तो अब आते हैं हम लैम्प्रे की तरफ जो हम बात कर रहे थे कि लैम्प्रे भी एक फ्लूइड फीडर के तौर पे आपने याद रखना है इसको। लैम्प्रे जो है इसका माउथ फनल लाइक होता है जिसके अंदर टीथ मौजूद होते हैं। टीथ की मदद से ये एक इस फनल की मदद से ये एक सकिंग जो है आप कहें कि अपरेटस है, इससे ये अपने होस्ट के साथ चिपक जाती है और इसकी जो टंग है उसके जरिए उसमें ये सुराख करती है और वहां से जो ब्लड निकल रहा है उसको ये यूज कर रही है एज फूड। तो आपने ये बताना है कि इसके जो लैम्प्रे है इसके माउथ के अंदर कितने टीथ मौजूद होते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सकिंग के हवाले से अगर हम बात करें फ्लूइड फीडिंग के अंदर, तो सबसे बेहतर सकिंग स्ट्रक्चर्स किसके अंदर डेवलप हुए हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, और आखिरी है कि इनमें से काइंडली बताएं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के सरफेस के अक्रॉस हासिल करता है। नेक्स्ट अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो प्रोटोजोन्स क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर ऐसे कोई डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज आपने याद रखनी है, और ये सबके अंदर नहीं है, यानी कि ये बात जो मैं करने अभी आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ये तमाम के तमाम प्रोटोजोन्स को फॉलो नहीं करते। ज्यादातर प्रोटोजोन्स के अंदर फूड किसी भी जगह से जहां से भी वो टच करेगी सेल मेम्ब्रेन को, वहां से वो एंडोसाइटोसिस के जरिए या डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के जरिए किसी प्रोसेस के जरिए वो अंदर आ जाएगी, और वेस्ट मटेरियल किसी भी जगह से सेल मेम्ब्रेन से जहां पर वो वैक्यूल जो है जैशन वैक्यूल वो टच करेगा वहां से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट मौजूद है जहां से फूड एंटर करेगी, और स्पेसिफिक पॉइंट मौजूद है जहां से वो एग्जिट करेगा, वेस्ट मटेरियल एग्जिट करेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें जो प्रोटोजोन आपके पास मौजूद है, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है साइटोस्टोम, ये एनालॉगस टू माउथ काम करता है, ये वो जगह है जहां से फूड ने एंटर होना है। तो ये जो बक्कल कैविटी है इसके सीलिया जो है ये फूड को स्वीप करते हैं टूवर्ड्स द साइटोस्टोम, यहां जाकर वो फूड वैक्यूल बना देती है, फूड वैक्यूल के अंदर एसिडिक और अल्कलाइन दोनों पीएच के अंदर डाइजेशन होती है, और जो मटेरियल यूजफुल है उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और वेस्ट मटेरियल को एक ओपनिंग से जिसे साइटोपाइक कहते हैं उसके जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि प्रोटोजोन्स में एनालॉगस टू माउथ कौन सी ओपनिंग होती है, एनालॉगस टू एनस कौन सी ओपनिंग होती है। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें जी, तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो इनके डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पे सामने आती है। अब जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसके अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स जो है ना ये इस तरफ जा रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं जी, तो हाइड्रा की गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सिंपल, जबकि अगर आप इसे प्लेनेरिया से कंपेयर करेंगे तो प्लेनेरिया की गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी काफी ब्रांच्ड होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव कैविटी होती है, वो या इनकम्प्लीट होती है या कम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक से हमारी मुराद ये होती है कि अगर फूड की एंट्री के लिए और वेस्ट के एग्जिट के लिए एक ही पॉइंट है, और बेसिकली वो माउथ के तौर पर सामने आता है, तो उसे हम कहते हैं जी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर आपके पास फूड की एंट्री के लिए अलग और वेस्ट मटेरियल के एग्जिट के लिए अलग पॉइंट्स हैं, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हाइड्रा के अंदर फूड जो है वो माउथ के जरिए आएगी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, यहाँ पर एंजाइम्स सेक्रेट किए जाएंगे, यानी यहाँ पर होगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे उसमें वो टूट जाएंगी फूड, तो उनको फिर जो सेल्स हैं इसकी कैविटी की लाइनिंग के वो एंडोसाइटोसिस से अंदर ले जाते हैं, और फिर यहाँ पर होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और जो वेस्ट मटेरियल है वो फिर इसी माउथ के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हाइड्रा के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिमिलर प्लेनेरिया के अंदर भी है। अगर आप बात करें निमाटोड्स में, तो निमाटोड्स के अंदर आपके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसी तरह इंसेक्ट्स के अंदर भी आपके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन ऑब्वियसली जैसा आप देख रहे हैं कि इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी स्पेशलाइजेशन आ गई हैं, और इनको हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। अगर हम बाइवॉल्व्स की बात करें कि बाइवॉल्व्स किस तरह से डाइजेशन करते हैं, तो बाइवॉल्व के डाइजेशन के समझने से पहले जरा इसके स्टमक की तरफ आ जाएं, और इसके स्टमक में कुछ स्ट्रक्चर्स को देख लें। इसके स्टमक में ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास इन्होंने कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनकॉर्पोरेट किए होते हैं। ये क्रिस्टलाइन स्टाइल हिट करता है जी इस गैस्ट्रिक शील्ड के साथ, और हिट किसकी मदद से करता है, सीलिया की मदद से जो इस स्टाइल सैक के अंदर होते हैं। जब ये इसको हिट करता है तो यहाँ पर इनके दरमियान में जो फूड होगी उसकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगी, जिस तरह बिल्कुल पिस्टन और मोर्टर काम करते हैं इसी तरह ये काम कर रहा है। और गैस्ट्रिक शील्ड जो है आपके पास, जब ये इसके साथ हिट करेगा आके, तो कुछ एंजाइम्स यहाँ से भी सिक्रेट होंगे। तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपके पास होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, उसके बाद फूड मूव कर जाती है डाइवर्टिकुलम में इस पोर्शन के अंदर जी, और यहाँ पर जाकर होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन।
अब देखते हैं कि प्रोसेस चलता किस तरह से है। तो जी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने से पहले ही जो बाइवॉल्व्स हैं ये अपने स्टमक के अंदर फ्रेगमेंटेशन स्पेरियूल्स को सेक्रेट करते हैं। और इन फ्रेगमेंटेशन स्पेरियूल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है पीएच को कम करना ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर प्रॉपरली हो सके। उसके बाद जब ये फ्रेगमेंटेशन स्पेरियूल्स बन जाते हैं तो ये फीड करते हैं, फूड को अंदर लेकर आते हैं अपने स्टमक के अंदर। और जब ये अपने स्टमक में फूड को लेकर आते हैं तो ये क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है ये घूमना स्टार्ट करता है और ये आकर हिट करता है गैस्ट्रिक शील्ड को लोअर पीएच की वजह से। और इस हिटिंग की वजह से जो एंजाइम्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड थे वो रिलीज हो जाते हैं, प्लस गैस्ट्रिक शील्ड से कुछ एंजाइम खारिज होते हैं और फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाती है तो यहाँ से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं डाइवर्टिकुलम में फॉर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जैसे ही वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए अंदर जाएंगे डाइवर्टिकुलम में, फीडिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, फीडिंग नहीं होगी जब तक ये प्रॉपरली डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब नहीं हो जाते। जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो दोबारा से आपके पास फ्रेगमेंटेशन स्पेरियूल्स बनेंगे और फिर आपके पास जो फीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर जो हमने ग्रास ऊपर को एज एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, मेंटिबल्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये जो लीव्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट करता है और उनको इंजेस्ट करता है। ये पीसेस जाके यहाँ पर क्रॉप के अंदर स्टोर हो जाते हैं। क्रॉप क्या है, क्रॉप एक्चुअली जो इनकी एसोफेगस है उसका जो डिस्टल पार्ट है, उसका जो आखिरी पार्ट है वो जो डायलेट कर गया है, यानी एसोफेगस का ही जो लास्ट पार्ट डायलेट कर जाता है वो क्रॉप कहलाता है। तो इस क्रॉप के अंदर ये फूड को स्टोर करते हैं। उसके बाद फूड यहाँ से मूव करके जाती है गिजर्ड के अंदर। गिजर्ड के अंदर फूड की दोबारा से मेस्टिकेशन होती है और उसको मजीद जो है ना वो पल्पी कर दिया जाता है। उसके बाद फूड यहाँ से मूव करती है गैस्ट्रिक सीके के अंदर और ये स्टमक के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये एंजाइम्स खारिज करते हैं फूड की डाइजेशन के लिए। और उसके बाद फूड यहाँ से मूव करती है डाइजेस्ट होके इलियम के अंदर जहां पर फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में चली जाती है और रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहती है। इसके साथ साथ रेक्टम के अंदर ग्रास ऊपर की जो रेक्टम है इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। और उसके बाद जो जो वेस्ट मटेरियल है वो ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि इंसेक्ट्स वो वाहिद आपके पास आप कहें कि क्लास है जिसके अंदर आपके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के आपके पास काम करने वाली चीजें हैं मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स वो इनके डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड हैं। कोई भी आपको इंसेक्ट के अलावा ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हो। तो इंसेक्ट्स इस लिहाज से एक आप कह लें कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स भी हैं कि उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक्ड है। आप कमेंट में मुझे इसकी वजह बता सकते हैं कि इसका क्या फायदा होता है इंसेक्ट्स को, क्यों उनकी मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। आप बताएंगे फ्रेगमेंटेशन स्पेरियूल्स किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं और इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले कहाँ डिवेलप हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। और एनालॉगस माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोजोन्स का क्या कहलाता है, इसी तरह वो पूछ सकते हैं कि एनालॉगस एनस लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रोटोजोन्स का वो क्या कहलाता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन आयन एब्जॉर्प्शन ग्रास ऊपर में उसके गट के कौन से पार्ट के अंदर हो रही है। नेक्स्ट अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट की जो गट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स में यही है कि सबसे पहले ओरल कैविटी है, देन फेरिंग्स लीडिंग टू द एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके साथ साथ आपके पास इस पूरी की पूरी गट के साथ आपके पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स मौजूद हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ के अंदर होते हैं जी। इसके अलावा लीवर है आपके पास और आपके पास पैनक्रियाज होगा, ये इंजाइम्स खारिज करते हैं जो डाइजेशन के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं जी। अगर हम टंग की बात करें जी तो टंग आपने याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो ट्रू टंग है वो एम्फीबियंस के अंदर इवॉल्व हुई थी। फिशेस के अंदर टंग जरूर मौजूद होती है लेकिन वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर के तौर पे उसको यूज नहीं करते, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर वो है ही नहीं।
लैम्प्रेस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर टंग जरूर है लेकिन वो रास्पिंग ऑर्गन के तौर पे काम कर रही है, उसकी मदद से ये सुराख करते हैं अपने होस्ट के अंदर और फिर वहां से ये फूड को, जो इनकी फ्लूइड फीडिंग हैबिट है, फूड को, ब्लड को सक कर लेते हैं। अगर हम कैमिलियन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी लंबी टंग है, इसकी साइज के बराबर होती है और एक लुर्किंग प्रीडेटर है। लुर्किंग प्रीडेटर क्या होता है हम ये डिस्कस कर चुके हैं जी। नेक्स्ट हम वुडपेकर की बात करें तो इनकी टंग काफी लंबी होती है और इनकी जो टंग है वो इतनी लंबी होने की वजह ये है कि क्रिविसिस के अंदर से ये इंसेक्ट्स को निकाल के, जो दराड़े होती हैं दरख्तों की बार्क के अंदर या रॉक्स के अंदर, उसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वहां से निकाल के ये उनको एज फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर हम टीथ की बात करें जी तो टीथ जो है वो तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ 3 बर्ड्स में टीथ मौजूद नहीं होते। रीजन ये है कि इन्होंने उड़ना होता है बॉडी को लाइट वेट करने के लिए, एवोल्यूशन के अंदर टीथ लूज हो गए जी। टर्टल्स के अंदर टीथ मौजूद नहीं होते, इनकी एक बीक होती है जिसकी मदद से ये च्यूइंग करते हैं जी। बेलीन मेल्स में भी टीथ मौजूद नहीं होते। अब ये जो टीथ हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर और ये डिपेंड कर रहा होता है किस चीज पे, कि ऑर्गेनिज्म क्या चीज एज फूड इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से उसको ऑब्टेन कर रहा है। लाइक अगर हम बात करें कार्निवोर्स की तो इन्होंने गोश्त खाना होता है, इन्होंने रिपिंग करनी होती है, गोश्त चीरना फाड़ना होता है अपने प्रे का, तो इसलिए इनके अंदर केनाइंस काफी ज्यादा डिवेलप्ड होते हैं। जबकि हर्बीवोर्स जिन्होंने गोश्त से, जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने च्यू करना होता है फूड को, उनके अंदर टीथ मौजूद होते हैं लेकिन केनाइन मिसिंग होते हैं। उनमें इंसाइजर्स भी मिल जाएंगे, प्रीमोलर और मोलर्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, उनके कस्प्स काफी ज्यादा होते हैं ताकि फूड को अच्छी तरह से चबाया जा सके। ह्यूमंस जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं, वो हर तरह की फूड यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर तीनों चारों टाइप के जो दांत हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें जी तो फिश के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, एक्सेप्शन लैम्प्रे है। क्यों उनके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होंगे, हम बात इसलिए हम ये पहले बात कर चुके हैं कि फ्लूइड फीडर है, तो ये जब ब्लड सक कर रहा होता है लैम्प्रे तो वहां पर ब्लड कोगुलेट ना कर जाए, जम ना जाए, तो इसलिए इनके स्लाइवरी ग्लैंड्स एंटी कोगुलेंट से रिलीज कर रहे होते हैं। इसी तरह से स्नेक्स के अंदर इनके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो उनसे हैं वो वेनम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के अंदर डेवलप हो गए हैं। जो इनके वेनम ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं होते जबकि तमाम मैमल्स के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। एसोफेगस जी शॉर्ट ट्यूब है जो ओरल कैविटी को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रही है। याद रखिएगा ये इसकी लेंथ डिपेंड कर रही होती है नेक के साइज के ऊपर। फिशेस और एम्फीबियंस की नेक छोटी, इनकी एसोफेगस छोटी, जबकि एमनियोट्स की नेक बड़ी है, लंबी है, इसलिए उनकी एसोफेगस भी लंबी है। और जो ग्रेन या सीड ईटिंग बर्ड्स हैं उन्होंने क्योंकि इसको स्टोर करना होता है इनको फूड के तौर पे, तो एसोफेगस का लास्ट पोर्शन डायलेट कर जाता है और वो डायलेट करके आपके पास क्रॉप बना देता है जिसमें फूड को स्टोर कर लेते हैं। अगर हम स्टमक की बात करें जी, एंसेस्ट्रल ऑर्गन है, तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हम एक, क्योंकि डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे रोमिनेंट के स्टमक के हवाले से। रोमिनेंट्स वो आपके पास एनिमल्स हैं जिनके स्टमक जो है वो 4 चैम्बर्ड होते हैं और उनके जो स्टमक का पहला रीजन है वो डायलेट हो जाता है जिसे हम रोमन कहते हैं, और ये जो डायलेटेड पोर्शन है ये फूड को स्टोर करने के काम आता है। रोमिनेंट्स क्या करते हैं, ये अमूमन काउस, शीप, डियर्स, ये हर्बीवोर्स हैं और इन्होंने ये जो स्ट्रेटजी है ये अपने प्रे से बचने के लिए इख्तियार की कि जल्दी जल्दी से खाने को खा लिया जाए, उसे स्टोर कर लिया जाए और फिर कहीं सेफ जगह पे बैठ के उसको चबाया जाए। तो जब ये खाना खा रहे होते हैं तो उसको च्यू नहीं करते, बस जल्दी जल्दी उसको निगल जाते हैं और उसको रोमन में स्टोर कर देते हैं। अब जब वो रोमन में स्टोर हो जाता है तो यहाँ पर इनके रोमन के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सेलुलेज एंजाइम खारिज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास रोमन में जैसे ही फूड आती है तो सेलुलोज की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब ये किसी सेफ जगह पर बैठ जाते हैं तो ये रीगर्गिटेट करते हैं, यानी इस फूड को वापस माउथ की तरफ लेके जाते हैं थ्रू रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। हम ऐसा नहीं कर सकते एज ह्यूमंस, हमारे अंदर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगी, पहली तो बात पेरिस्टाल्सिस इनवॉलेंट्री है और अगर होती है तो वॉमिटिंग हो जाती है, लेकिन ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस से फूड वापस लेके जाते हैं। कैसे जी, रूमेन से फूड वापस आती है रेटिकुलम में और रेटिकुलम से वो वापस जाती है एसोफेगस में और फिर ये अपने माउथ के अंदर उस फूड को लेके जाते हैं और उसको चबाते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने गाय भैंस को जगाली करते हुए देखा होगा, तो वो जो जगाली कर रही होती है वो दरअसल इसी तरह से फूड को वापस माउथ में लेके जाके उसको चबा रही होती है।
उसके बाद जी जब वो चबा लेती है फूड, वो दोबारा रुमेन में आती है, देन रेटिकुलम में जाती है, उसके बाद वो ओमेसम में और फिर एब ओमेसम में आती है। तो एब ओमेसम इनका ट्रू स्टमक है, यहाँ पर पहली दफा बॉडी के एंजाइम्स खारिज होंगे जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। अगर हम गिजर्ड की बात करें जी, तो गिजर्ड जोन सी है ये स्टमक का पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है वहां से डिवेलप होती है, और इसका जो काम है वो ये एक सेकंड आप कह लें च्यूइंग अपरेटस के तौर पे काम कर रहा होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब ये जो गिजर्ड है ये तमाम बर्ड्स के अंदर मौजूद है, कुछ रेप्टाइल्स में मौजूद है, जिसमें स्पेसिफिकली हम क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं। क्रोकोडाइल्स फूड को बड़े बड़े चंक्स में लेते हैं, उनके दांत जरूर हैं लेकिन वो उसको चबाने की सलाहियत नहीं रखते। तो उनका जो गिजर्ड है जब उसमें फूड वो ले जाते हैं, फिर साथ में वो कंकरियां उसके अंदर भर लेते हैं, और फिर जब गिजर्ड कंट्रैक्ट करता है तो वो अच्छी तरह से उस फूड को, वो कंकरियां जो उनसे आप कहें कि उस फूड की मैस्टिकेशन में उनको मदद दे रही होती हैं। इसके अलावा ये फिशेज के अंदर भी कुछ मौजूद होता है जी। अगर हम सीकम की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो नॉन रूमिनेंट्स कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रैबिट है, हॉर्स है, इनके अंदर रोमन मौजूद नहीं है, तो इनके अंदर जो ये हर्बीवोर हैं क्योंकि, तो फूड जो ये कंज्यूम कर रहे हैं तो इनके अंदर सेलुलोज कहाँ बनेगा, इनके अंदर क्या सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा? तो जी इनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, इनके अंदर सेलुलेज बनता है, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म है सेलुलेज बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो इनके सीकम में रहते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रोमिनेंट्स में बॉडी के एंजाइम्स से पहले, फूड इनकाउंटर होने से पहले वो रोमन के अंदर जो है डाइजेस्ट हो रहा है सेलुलोज, और नॉन रूमिनेंट्स के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे सारी डाइजेशन हो जाती है और उसके बाद डाइजेशन के बाद जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो तब जाके वहां सेलुलोज डाइजेस्ट हो रहा होता है जी। ठीक है, अगर हम लिवर और गॉल ब्लैडर की बात करें जी, तो लिवर जो है वो बाइल को बना रहा होता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर रहा होता है। जो बाइल है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं जी, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इमल्सिफिकेशन का। ये इमल्सिफिकेशन क्या है कि फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना ताकि लाइपेज अच्छी तरह से इसके ऊपर काम कर सके। बाइल पिगमेंट्स जी रेड ब्लड सेल की फैगोसाइटोसिस से बनते हैं, और जो बाइल पिगमेंट है उनमें सबसे पहले आपके पास बिलीवर्डिन बनता है, और बिलीवर्डिन जो है वो बाद में चेंज हो जाता है बिलीरुबिन के अंदर। जो बिलीवर्डिन है इसको हम ग्रीन बाइल भी कहते हैं और बिलीरुबिन को हम रेड बाइल भी कहते हैं। पैनक्रियाज तमाम वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है लेकिन आपको लैम्प्रेज और लंग फिशेज में नजर नहीं आता क्योंकि उनकी वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है, और आप जानते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे, दोनों के तौर पे काम करता है। इंटेस्टाइन जी स्मॉल और लार्ज हम जानते हैं दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है जी, और डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म क्या फूड ले रहा है, उसका साइज कितना है, वो मोटाइल है या सेसाइल है, इन तमाम चीजों पर बेस करती है आपके पास इंटेस्टाइन की लेंथ कि वो छोटी होगी या बड़ी होगी, वो क्वाइल्ड होगी या स्ट्रेट होगी। जैसे आप देखिए लैम्प्रेज के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन हमारे अंदर ये हायर ऑर्गेनिजम्स में ये काफी क्वाइल्ड है, काफी लार्ज है। नेक्स्ट ये आपके पास एमसीक्यू स्लाइड आ जाती है, आप बताएंगे कि इनमें से कहाँ स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं और कहाँ स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद नहीं है। आपके पास ट्रू स्टमक रोमिनेंट्स के अंदर कौन सा है, हम जानते हैं चार आपके पास स्टमक के पोर्शन होते हैं रोमिनेंट्स में, तो ट्रू स्टमक कौन सा है, वो कौन सा पोर्शन है जो एंजाइम्स खारिज कर रहा है बॉडी के। आपके पास इनमें से कौन सा ऐसा नॉन रोमिनेंट है जिसके अंदर जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो सेलुलोज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके सीकम में रह रहे हैं। बर्ड्स में कितने सीका होते हैं और इमल्सिफिकेशन जो उनसी है वो कौन करवाते हैं एलिपेज की। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम दूसरे सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे।